हेलो दोस्तों, मोबाइल ट्रिक सपोर्ट चैनल पर आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक कीपैड के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों, हम अगर एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें ज़्यादातर हमको कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हम किसी के साथ मैसेज कर रहे हैं या तो व्हाट्सएप में कोई मैसेज चैटिंग पर बात कर रहा है या तो फेसबुक, दोस्तों मतलब कि हर तरह का कुछ भी करे एंड्रॉयड फ़ोन में, तो उसमें आपको कीबोर्ड की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक जीबोर्ड के बारे में बताऊंगा, जिसके थ्रू दोस्तों आप ऑनलाइन मतलब को कुछ सर्चिंग कर सकते हैं और ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा फ्यूचर है दोस्तों, बहुत औसम औसम फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये सब जानना है कि ये कीबोर्ड में क्या क्या फ्यूचर है और क्या क्या आप कर सकते हैं शॉर्टकट में, तो मेरे साथ बने रहे और वीडियो को प्लीज़ एंड तक का देखते रहिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगे, अभी तक आपने इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को बजा दीजिए और आने वाली नई वीडियो की मज़ा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, जीबोर्ड ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन पर, ठीक। तो दोस्तों, आप उसको प्ले स्टोर में भी आपको मिल जाएगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली उसमें जाके उसको इंस्टॉल कर सकती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इंस्टॉल करके ही रखा हो तो मैं क्या करता हूँ, उसे ओपन कर देता हूँ और उसके बाद में दोस्तों आपको इसी तरह का उसका आइकॉन आएगा, ठीक है। तो उसमें आपको करना क्या है, क्लिक कर देना है, ठीक है। सिलेक्टेड इनपुट मेथड में क्लिक करना है और उसके बाद में दोस्तों आपके फ़ोन का जो कीबोर्ड है दोस्तों, उसमें आपको ये टिक मार्क रहेगा, तो आपको करना क्या है, आपको जीबोर्ड में क्लिक कर देना है और फिर आपको सेटअप परमिशन कर देना है और फिर उसको अलाउ कर देना है, उसके बाद में डन कर देना है। तो अभी क्या होगा दोस्तों, आपका जो फ़ोन का जो कीबोर्ड है ये शो नहीं करेगा, आप अभी जो भी आप करेंगे तो ये जो जीबोर्ड है उसको अभी ये जीबोर्ड काम करना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये जीबोर्ड अभी काम कर रहा है, तो दोस्तों सबसे पहला फीचर मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है, देखिए ये जीबोर्ड का आइकॉन आ चुका है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको जी में क्लिक कर देना है और जी में क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको मिल जाता है सर्चिंग का, ठीक है। तो नेट में से आप कुछ भी सर्चिंग करना चाहते हैं तो कोई भी ब्राउज़र में जाने का ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से मतलब कुछ भी सर्च करके किसी को भेज रही है तो चैटिंग कर रहा है, तो आपको कोई ब्राउज़र में जाने का ज़रूरत नहीं है, आप उसमें से सर्च करके किसी को भी कुछ भी भेज सकती है, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने वेदर लिख के सर्च कर दिया, वेदर, तो दोस्तों आप देख पा रही, तो ये हमारे सामने आ चुका है वेदर। तो उसको मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने वाले बंदे को मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो क्लिक कर दिया। उसके बाद में आपको करना क्या है, शेयर कार्ड में क्लिक करना है, ठीक है। शेयर कार्ड में जब क्लिक करेंगे तो फिर उसको आप सेंड कर सकती हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका सबसे पहला फ्यूचर, ठीक है। तो दोस्तों, उसमें दूसरा जो फीचर है दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया फीचर है। जैसे कि दोस्तों आप किसी के साथ मैसेज पर बात कर रही है तो दोस्तों सामने वाला बंदा आपको इंग्लिश में बात कर रही है और आपको इतना इंग्लिश नहीं आता, ये तो बंगाली या हिंदी मतलब कुछ भी लैंग्वेज आपको बहुत कम आता है, तो उसका साथ सेम वही लैंग्वेज से कैसे आपको उसको मैसेज को रिटर्न करना है। तो दोस्तों ये आपको जीबोर्ड ये आपको फ्यूचर देता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जी में क्लिक करना है और उसके बाद में आपको मिलता है फिर जी का बटन, उसमें क्लिक कर देना है, फिर आपको ओके कर देना है। तो ये फर्स्ट टाइम आपको ये परमिशन देना पड़ेगा और एक बार जब कर देंगे तो आपको ओके करना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली उसमें क्लिक करके इसी पेज में आएंगे। उसके बाद में दोस्तों आप कौन सा लैंग्वेज में सामने वाले बंदे को आप मैसेज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इंग्लिश में करना चाहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये सामने इसमें इंग्लिश रहना है और उसमें आपको करना क्या है, डिटेक्ट लैंग्वेज में क्लिक करके आप कौन सा लैंग्वेज में टाइप करेंगे उसके बाद में ये लैंग्वेज होगा इसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं हिंदी से टाइप करूँगा तो मैं हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो जिसकी मैंने हिंदी से हिंदी को ओके कर दिया, उसके बाद में देखिए दोस्तों मैं हिंदी से लिखूँगा और ये इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ दोस्तों, तुम बहुत खूबसूरत हो, ठीक है, तुम बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैंने लिख दिया तुम बहुत खूबसूरत हो, तो उसमें नीचे आ रहा है दोस्तों यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये इंग्लिश में हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद में आप किसी को भी ये मैसेज भेज सकती हैं, आप हिंदी में टाइप करेंगे और इंग्लिश में आ जाएगा, मतलब कोई भी लैंग्वेज से आप जो आपको आता है उसी पर टाइप करेंगे, ये आपको इंग्लिश में हो या किसी में भेजना हो, आपको जो लैंग्वेज में उसी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया एक फ्यूचर है।
तो दोस्तों उसमें तीसरा जो फ्यूचर मिलता है दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया फ्यूचर है। जैसे कि दोस्तों आप किसी के साथ बहुत स्पीड से मतलब मैसेज टाइपिंग करना चाहती है, तो दोस्तों उस टाइम आपको इतना स्पीड से आपको टाइप करना नहीं आ रहा है, तो आपको करना है कि आपको सिर्फ वॉइस से बोलना है, मुँह से बोलना है और ये ऑटोमेटिकली टाइपिंग हो जाएगी। जैसे कि आपको उसमें मिलता है एक माइक का बटन कीबोर्ड पर ये साइड में, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद में आपको बोलना है, जैसे कि मैं दिखाऊँगा आपको। ठीक है, हाउ आर यू ब्रदर। तो देखिए दोस्तों ये हमारे ब्रदर मैंने कहा था और साथ साथ ये टाइपिंग हो चुका है। ये भी दोस्तों बहुत बढ़िया फ्यूचर है। दोस्तों उसमें चौथा जो फ्यूचर है दोस्तों, ये भी बहुत कमाल का फ्यूचर है। जैसे कि दोस्तों आप किसी के साथ टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उंगलियाँ हटाना है और ये हो जाएगा। जैसे कि मैंने अपने नाम लिख दिया, आप सिर्फ उंगली में इसको टाइप करना है, जो जो टाइप करना है उसी के ऊपर में हटाना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो उसके बाद में आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही शॉर्टकट आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको हटाना है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इजी है, बहुत ही फास्ट, मतलब ये कीबोर्ड से आप किसी का भी मैसेज टाइप कर सकते हैं। दोस्तों उसमें पांचवा जो फीचर मिलता है दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया फीचर है। जैसे कि दोस्तों आप किसी के साथ मतलब मैसेज पर बात कर रहे हैं, उस टाइम दोस्तों आपको गिफ्ट्स के इस्तेमाल करना है, तो उसमें आपको जी में क्लिक कर देना है, उसके बाद में आपको GIF में क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसमें जाके आपको बहुत सारा GIF मिल जाएगा, बहुत तरह तरह का है, उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको आप ये कीबोर्ड से ही डायरेक्टली उसको सेंड कर सकते हैं। देखिए बहुत सारा कॉमेडी फ़नी, मतलब हर तरह का आपको GIF मिल जाएगा उसमें। ठीक है, देखिए दोस्तों ये दूसरा कीबोर्ड में आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको जीबोर्ड में ही मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, और फिर आपको डायरेक्टली उसमें से किसी को भी आप सेंड कर सकती हैं। ठीक है, कोई भी ब्राउज़र में जाने की आपको ज़रूरत नहीं, ये कीबोर्ड आपको ये सब फ्यूचर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, उसमें छठा जो फ्यूचर मिलता है दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया फ्यूचर है। जैसे कि दोस्तों हम नॉर्मली किसी कीबोर्ड में टाइप करें तो दोस्तों आपको ये फ्यूचर नहीं मिलता है, और ये आपको जीबोर्ड ये फ्यूचर देता है। जैसे कि हम कुछ भी दोस्तों टाइप कर रहा है, उसके बाद में हमको बहुत ही जल्द उसको मतलब सेंड करना है, तो इसके लिए हमको ज़रूरत होती है दोस्तों सेंड का बॉटम का। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ये साइट में आपको नीचे आप देख पा रही है, ये आपको बॉटम मिल जाता है, कीबोर्ड से ही उसको सेंड कर सकते हैं। जैसे कि हर कीबोर्ड में आपको ये सेंड का बॉटम नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों आपको ये जीबोर्ड में आपको ये सेंड का बटन मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, बहुत स्पीड से किसी को मैसेज भेज पा रही है। ठीक है दोस्तों, उसमें सातवां जो फ्यूचर है दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया फ्यूचर है। जैसे कि दोस्तों हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं, ठीक है, ये टाइप कर दिया, उसके बाद में आपको करना क्या है, जितना टाइप किया उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको ये बटन में क्लिक करना है। देखिए ये स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर ये चेंज होता ही रहता है। ठीक है, देखिए आप कौन सा साइज में, मतलब आप सामने वाले बंदे को मतलब कुछ कैपिटल लेटर्स में भेजना चाहती है, तो आपको उसको पहले उसको मार्क करना है पूरी है। ठीक है, उसके बाद में इस बटन में क्लिक करेंगे तो स्मॉल लेटर में भेजना है तो स्मॉल लेटर कर दीजिए, फिर आपको सेंड कर सकती है किसी को भी बहुत ईजी से। ठीक है, तो दोस्तों उसमें और भी फीचर दिया गया है, जो फीचर फ़िलहाल मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो इसके लिए, तो आप उसको यूज़ कीजिए दोस्तों, आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि कौन सा फ्यूचर में क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूचर आपको बता दिया, और आप भी ये कीबोर्ड को यूज़ कीजिए और आपको सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो दोस्तों आपको जितना फीचर मैंने बताया है उसमें से अगर एक फीचर भी आपको यूज़फुल लगती है, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस जीबोर्ड का फ़ायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को बजा देना और आपकी दिल की प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों को कमेंट बॉक्स पर सजा देना। तो दोस्तों फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, होगी कुछ नई नई बात। चलता हूँ, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।